अस्सलाम वालेकुम आई ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और गाइस हम भी ठीक हैं। और देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। देखिए आज मैंने बनाया है पराठा। और गाइस पता है आपको ये पराठा मैंने किस चीज़ का बनाया है? ये कल जो मैंने मलका की दाल बनाई थी ना, वो बच गई थी। मैं अम्मी के चली गई थी तो खाना नहीं खाया, तो ये बच गई थी, तो फिर मैंने उसको आटे में गूंद के उसका बना लिया है पराठा। और यह है आज की डैडी का पराठा। और ये चाय, वो अभी आ रहा है अपनी चाय लेकर, फेस वॉश कर रहा है। गाइस आज हम बना रहे हैं राजमा चावल। तो ये चावल भिगो दिए हैं और ये राजमे की ग्रेवी बन रही है। राजमा बॉईल हो रहा है और उधर कपड़े भी वॉश हो रहे हैं मेरे। अभी क्लीनिंग नहीं करी है, बस अर्श नहा रहे हैं। अर्श आ जाए, मैं जल्दी से क्लीनिंग करूँगी। देखिए हमारा रूम कुछ ऐसा फैल रहा है। देखिए सब कुछ, सब मैंने डस्टिंग करी है ना, सब फैला दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और देखिए हमारा राजमा हो गया है रेडी। देखिए कितनी भाप उठ रही कॉल मिल रही। अब इसकी भाप कम हो जाएगी। देखिए हमारा राजमा एकदम रेडी है। देखिए राइस भी रेडी है। मैंने चावल बनाए, थोड़े से ही राइस बनाए। अब खाना लगा लें, फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। अर्श ने अभी अभी अब किया है अपना होमवर्क। हेलो, गाइस हमने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है, अल्लाह का शुक्र है। और अब देखिए मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि कितनी भी गर्मी हो चाय को दिल चाहता। जिन लोगों को चाय की आदत होती है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती गाइस, बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पीती हूँ और बस इवनिंग में मगरिब की नमाज़ के बाद बस मैं दो टाइम चाय पीती हूँ। तो गाइस फिर हम चलते हैं, चाय बनाते हैं। और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि काम इतना होता है गाइस मैं आपको बता नहीं सकती। ग्यारह मास तो बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अकेली पूरे घर का काम करती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, पैरों में इतनी दर्द हो रहा है गाइस। इनके डैडी से कहते कहते थक गई कि डॉक्टर को दिखवा दो। आँखों से मेरे धुंधला दिखता, आई साइड वीक हो रही है गाइस, लेके नहीं जा रहा है डॉक्टर के। आज खुद दिखा के आ गया लेकिन मुझे लेके नहीं गया। और गाइस बताइए, आप ही बताएं क्या करूँ। बस आपसे एक ही वह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को जो लोग भी वॉच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मुझे मेरे चैनल को, ताकि बस मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस ये है हमारा अर्श, छोटा सा मेरा छोटा सा अर्श, बहुत बड़ा था गाइस। मैं ना फेस रिवील कर रही हूँ, कर दूँ? कर दी, करूँ? कर दो। अर्श अगर कहेगा कर दो तो कर दूँ, कर दो। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर का। जब मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे ना फेस रिवील करने के लिए, तो मैं तब अपना फेस रिवील कर दूँगी। गाइस आप बताइए कमेंट में। चलो मैं अपना कर रही हूँ फेस रिवील। आज मैंने गाइस कर दिया अपना हाफ फेस रिवील। हाफ नहीं, फुल कर दो। अभी हाफ किया है, आज मैंने अपना हाफ फेस रिवील कर दिया है, देख लीजिए गाइस। और अर्श का फुल, मैंने अभी हाफ फेस रिवील कर दिया है, हाफ फेस रिवील। अगर गाइस आप लोग चाहते हैं मैं अपना पूरा फेस रिवील करूँ, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर मुझे 5 कमेंट भी आ गए ना, 5 कमेंट आ गए ना मुझे अर्श के, आप कर दो फेस रिवील, तो मैं कर दूँगा। ठीक है, कर देना। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं फेस रिवील करूं और आपके सामने आऊं, ब्लॉगिंग करूं आपके सामने आकर, तो आप मुझे कमेंट में आप बता दें। आज तुम भी कहो यूट्यूब फैमिली गाइस, इस वीडियो पे 5 कमेंट का टारगेट है। अगर आपने 5 कमेंट कर दिए तो मम्मी फेस रिवील कर देंगी। ओके गाइस देखिए मैं यहाँ बना रही थी थोड़ी सी मैक्रोनी, और बस सिंपल मैक्रोनी बनाऊँगी ये मैगी मसाला डाल के।
सिंपल बनेगी, जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और चलिए दिखाते हैं अंदर अर्श क्या कर रहे हैं। और देख रहे हैं अपना दूसरा वाला फोन। अब अर्श के आने वाले हैं सर, और सर से पढ़ेंगे अर्श। चलो जल्दी से स्कूल का जो वर्क सर देगा वो कर लो, वर्क अपना जल्दी से फिनिश करो, फिर सर आ रहे हैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए। गाइस यहाँ आ गए थे अर्श के सर उसे पढ़ाने के लिए, और अर्श पढ़ रहे हैं। और जब अर्श पढ़ती है तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। जब अर्श पढ़ लेंगे तो गाइस हम खाएंगे खाना। और अर्श के डैडी पता नहीं कहाँ गए, मालूम नहीं। गाइस आज मम्मी की बर्थडे है और मम्मी को पता नहीं है, मम्मी बैठी हुई है और मम्मी के लिए वन चॉकलेट लाया हूँ। देखिए गाइस चलते हैं मम्मी को सरप्राइज देने। मम्मी बैठी है, हैप्पी बर्थडे मम्मी। अरे अर्श तुम्हें याद था? जी थैंक यू, वेलकम। थैंक यू गाइस, आपको पता है आज 14 जुलाई है और आज है मेरी बर्थडे का दिन, मतलब आज 12 बज गया है। देखिए घड़ी में पूरे 12 बज रहा है, देखिए टाइम देखिए। और मुझे पता नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं लेट गई थी ऐसी, आज को सर पढ़ा के गए तो। और मेरा आज कितना अच्छा है बताए गाइस, मुझे पता भी नहीं। और ये पैसे लेके अपने पास से ही मेरे लिए चॉकलेट लाया, देखिए गाइस ये छोटा सा टर्बो। थैंक यू अर्श। हाँ और पता है गाइस, आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अमान जो है हमारा, उसको सबकी बर्थडे याद रहती। जैसे ही 12 बजते हैं और बर्थडे का डे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले विश अमान ही करता है। और अभी भी मैंने उठ के जैसे ही फ़ोन उठाया ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था, पहले तो अर्श ने मुझे ही सरप्राइज़ दिया, फिर मैंने फ़ोन देखा ना तो अमान ने विश किया था मुझे। तो अमान, अर्श भी छोटा है ना, उसको याद नहीं होता, इसने भी अमान के मैसेज देख के ही और ये मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया। मैं तो, मेरी तबीयत आज हो रही थी ख़राब तो मैं लेटी थी। अब इसने जैसी आप अब इसको खानी है आपको? हाँ अब थोड़ा सा खाना खा लें फिर खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो तो 14 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है। और चलिए अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है ये तो मुझे देखिए कोई भी यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, लेकिन अर्श जो है वो ध्यान रखता कि मम्मी अगर परेशान है या तबीयत ख़राब है तो किसी तरीके से मम्मी को मैं खुश करूँ। तो मैं अमान का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। अमान थैंक यू सो मच कि तुमने, तुम याद रखते हो बर्थडे और विश करते हो। गाइस कल को हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस एंड कीप यू हैप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अर्श, थैंक यू सो मच अर्श, वेलकम। गाइस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए ये चॉकलेट जो अर्श ने मुझे गिफ्ट किया है, खाना खाने के बाद इसे खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।